नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डेटा मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ 2013 से। और आज के वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा सवाल होता है कि क्या हमारे बच्चे को 100% जॉब मिल जाएगी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद। गंभीर सवाल है और जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऑनर हैं वो डायरेक्टली जवाब देते हैं कि यस, 100% प्लेसमेंट वी आर प्रोवाइडिंग हियर। ठीक है, अब आप खुद से समझिए कि आपका बच्चा अगर उस क्लास में जाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है डिजिटल मार्केटिंग का, क्या कोई इंस्टीट्यूट ये गारंटी लेता है कि वो आपको 100% डिजिटल मार्केटिंग में जॉब प्रोवाइड कर देगा? जो भी इंस्टीट्यूट 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी लेते हैं, क्या वो अपने ही कंपनी में उस स्टूडेंट को हायर कर लेंगे? और क्या बच्चा वो काम नहीं करेगा, वहाँ पे परफॉर्म नहीं करेगा, तो भी क्या उसको वो कंटिन्यू करा के रखेंगे? एक जनरल इंसान होने के नाते हम भी ये सवाल कर सकते हैं अपने दिमाग से, खुद से, कि यार अगर कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है उस प्रोफाइल के ऊपर अच्छे से, तो क्या उसको अच्छी जॉब मिल सकती है किसी भी कंपनी में? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप अपने बच्चे को, आप अपने किसी फैमिली मेंबर को भेजते हैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने के लिए, इसका मतलब कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको डिजिटल मार्केटिंग का ही जॉब मिले। और कोई भी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ लेता है तो, और इंस्टीट्यूट वाले दावा अगर करते हैं कि भाई हम 100% जॉब दिला देंगे, तो क्या वो 100% डिजिटल मार्केटिंग का ही जॉब दिलाएंगे या कहीं BPO वगैरह में आपको जॉब लगा देंगे, कहीं पर डेटा एंट्री वगैरह में आपको जॉब लगा देंगे? ये भी सोचना बहुत अनिवार्य है आपके लिए। अगर आप कहीं पर जाकर के एडमिशन लेते हैं अपने शहर के कोई भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो सबसे पहले आप ये कन्फर्म करिए, आप ये कन्फर्म करिए वहाँ जा करके अपने लोकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, ये जो 100% प्लेसमेंट है इसकी क्या गारंटी है और ये किस बिहाफ पे दिया जाता है? अगर हमारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है तो भी क्या उसको 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, मैं उनको डायरेक्टली वे में बोलता हूँ कि भाई अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो हम लोग आपके इंटरव्यूज को कंडक्ट करवाते हैं। हमारे रेफरेंस के बहुत सारे ऐसे मतलब एजेंसीज भी हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जहाँ पे आपको हम लोग भेजते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए। अब टोटली डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपने जो पढ़ाई किया है 3 महीने के अंदर, आपने जो इंटर्नशिप किया हुआ है, आपको अगर अच्छा नॉलेज है तब आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है। एक तो हमारे रेफरेंस है ही, चलो कि भाई ये किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से आया हुआ स्टूडेंट है, ठीक है। दूसरा, रेफरेंस से ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड है वो है आपका स्किल। अगर स्किल आपके पास है तो आपको कोई रेफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपको ये भी नहीं बताना पड़ता है कि हम किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, या फिर गौरव सर ने हमें भेजा हुआ है, या फिर कोई फलाने ने हमें भेजा हुआ है, आपको ये सब बताने की जरूरत ही नहीं होती। फिर तो सोचने वाली बात है कि सबसे पहले आप बताइए कि आपके जो कैंडिडेट हैं, आपका जो स्टूडेंट है, आपका बच्चा है, वो पहले स्किल को अच्छे तरीके से ग्रैप करे, पहले वो कोशिश कर ले कि अच्छे तरीके से स्किल्स के ऊपर उसका पकड़ हो। अगर पकड़ है तो आपको फिर इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है 100% प्लेसमेंट के लिए। और ये जो सवाल है आपके मन में कि क्या हमारे बच्चे को कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, इसका अब मैं आपको जवाब देने वाला हूँ कि आपके बच्चे का जो फ्यूचर है, खास करके जो उसका करियर है, उसका जॉब है, वो टोटली उसके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने अच्छे से मेहनत करके पढ़ा है, प्रैक्टिकल किया है सारी चीज़ों का जो भी उसको पढ़ाया गया है, ठीक है, अगर उसने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे तरीके से काम किया हुआ है, कुछ रिजल्ट लाया हुआ है अपने पढ़ाई के दौरान ही, तो उसको आसानी से जॉब मिल जाती है डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद। और प्रोफाइल में मिल जाए, नहीं पड़ेगा तो भी मिल जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग में ही जॉब करना है तो उसको काम करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा, पहले रिजल्ट लाना पड़ेगा, पहले तब जाकर उसको जॉब मिलता है, ठीक है। अगर जॉब नहीं मिल रहा तो उसको पहले इंटर्नशिप के लिए भी ट्राई करना चाहिए। मैंने पुराने वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि आप इंटर्नशिप के लिए भी अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि वो पहले इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर ले। इंटर्नशिप में वो जो पढ़ाई के दौरान काम नहीं किया हुआ है उससे इंटर्नशिप में कराया जाता है। इंटर्नशिप के दौरान वो सारे काम वो करेगा, परफॉर्म करेगा, कुछ रिजल्ट लाएगा, और उस रिजल्ट के बिहाफ पे उसको फिर डिजिटल मार्केटिंग का जॉब मिल जाएगा आसानी से। तो 100% कोई भी इंस्टीट्यूट दावे के साथ अगर आपको कहती है कि हम प्लेसमेंट करा देंगे, आप उस पर भरोसा थोड़ा कम करिए, ठीक है। आप अपने बच्चे को कहिए कि अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप से सीखो, तब जाकर के आपको 100% प्लेसमेंट मिल सकता है। अदरवाइज का वो पढ़ाई कर रहा है, जरूरी नहीं फाइल उसके प्रोफाइल में जॉब मिल जाए, ठीक है। तो जो दावा करने वाली कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो थोड़ा सा अपने एडमिशन्स के नंबर्स को बढ़ाने के लिए इस तरह के दावे करती हैं कि आपको 100% प्लेसमेंट दे दिया जाएगा, ठीक। लेकिन टोटली आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको दिया जाएगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं दिया जाएगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे इंटर्नशिप के लिए आते हैं बच्चे इंटरव्यू देने के लिए, जिनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, हम उनको इंटर्नशिप के लिए भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो उनको जॉब कैसे कहीं पे मिल सकता है? अगर हम इंटर्नशिप में भी उनको नहीं रखना चाहते, वो फ्री में भी करते हैं, फिर भी हम नहीं रखते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उनको बैठा करके पढ़ाई नहीं करा सकते। उन्होंने ऑलरेडी कोर्स कर लिया हुआ है, हम यहाँ पर बैठ करके सिर्फ उनको गाइड करते हैं कि आपको काम कैसे करना है। तो आप खुद से सोचो कि अगर कोई पर्सन इंटर्नशिप से रिजेक्टेड हो सकता है, तो उसको जॉब आसानी से तो नहीं मिल पाएगी, जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा।
पढ़ाई कर लिया है, कोर्स कर लिया, उसके बाद भी उसको खुद से पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करने के बाद वो इंटर्नशिप ज्वाइन करे, फिर उसको जॉब लग सकता है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, गार्जियंस वगैरह हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि 100% जो प्लेसमेंट होता है वो टोटली आपके कैंडिडेट के एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एलिजिबल है आसानी से जॉब ले लेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफलाइन इन दिल्ली एंड ऑनलाइन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।